हे गाइस, दिस इज नोर फ्रॉम टेकवेयर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को एज अ ब्रांड अकाउंट कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इसको चेंज करने का फ़ायदा ये है कि आप अपने चैनल को दो या उससे ज़्यादा भी मैनेजर्स रख सकते हैं। लाइक आपके अकाउंट को सिर्फ आप ही नहीं, आपके और अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। किसी और को अगर आप ऐड करते हैं तो वो भी एज अ मैनेजर आप कोई आपका यूट्यूब जो है वो मैनेज कर सकता है। अगर आपका कोई स्टाफ है और आपका कोई ब्रांड अकाउंट है तो आपके बहुत से बंदे जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। सिंपल यूट्यूब चैनल और ब्रांड अकाउंट में इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस है कि सिंपल यूट्यूब चैनल को सिर्फ एक ही आदमी जो है उसको मैनेज कर सकता है और जो ब्रांड अकाउंट है उसको एक से ज़्यादा लोग मैनेज कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपना जो ईमेल है उसको चेंज करना चाहते हैं अपने यूट्यूब के चैनल पर। अगर आपने कोई पहले से अगर चैनल बनाया हुआ है किसी ईमेल पर और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं उस ईमेल को, तो तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्रांड अकाउंट में अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ होगा तो आपका ईमेल कभी चेंज नहीं होगा। मैं क्यों इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेक्सोन नेम से चैनल बनाया था लेकिन मैंने तब सर्च नहीं किया था वो नेम। जब मैंने सर्च किया तो मेरा जो चैनल है वो नहीं आ रहा था सर्च में, क्योंकि उस नेम पर बहुत सारे चैनल्स थे टेक्सोन के नेम से। तो इसके लिए मैंने अपना जो है वो यूट्यूब का चैनल उसका नेम मैंने चेंज कर दिया, टेक्सोन से टेकवेगा कर दिया। लेकिन मुझे अपना ईमेल भी चेंज करना था लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं उसको ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना जो ईमेल है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना पुराना ईमेल जो अपने यूट्यूब चैनल में है उसको कैसे न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको न्यू में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, उसको देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और अपना जो ईमेल है उसको लॉगिन कर लेना है और अपना यूट्यूब चैनल आपने ओपन कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, स्विच अकाउंट पे मैंने क्लिक कर लिया और लास्ट में आप देख सकते हैं कि टेकवे का मेरा चैनल है, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो उस पर मैंने क्लिक कर लिया। इसको लोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो ये लोड हो चुकी है। सो मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि मेरा टेकवे का चैनल शो हो रहा है। यहाँ पर अपने नीचे यहाँ पर मैं स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। दोबारा आपको दिखाता हूँ कि टेकवे का चैनल है मेरा, इस ईमेल पर मेरा यही एक चैनल है और कोई चैनल नहीं है मेरा। सो सी ऑल चैनल पर मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सो आपने सी ऑल चैनल्स पर क्लिक कर लेना है, तो दिख रहा होगा यहाँ पर, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक ही चैनल है यहाँ पर। यहाँ पर आपने क्रिएट अ चैनल पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पर। सो आपने जो नया ईमेल बनाया है अगर आपने उसके हिसाब से अपना नेम रखना है, और अगर आपने यही सेम नेम रखना है वो वहाँ पर डिपेंड करता है, तो मैं सेम नेम पर ही कर रहा हूँ। सो मेरा चैनल का नेम टेकवेगा है, तो पर यहाँ पर मैं टेकवेगा लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेकवेगा, यहाँ पर मैंने लिख लिया।
और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको चेक कर देता हूँ और क्रिएट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा चैनल बन जाएगा। इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो ये लोड हो चुका है एज यू कैन सी। सो आपने फिर से यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है ऊपर साइड में, और आपने फिर से यहाँ पर स्विच अकाउंट में क्लिक कर लेना है। यू कैन सी स्विच अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अकाउंट से मेरे, और मैं पहले वाले अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, पहले वाले चैनल पर। ये क्लिक हो चुका है तो यहाँ पर मैं YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये लोड हो चुका है। As you can see, अपने लेफ्ट साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटिंग्स लिखा हुआ है, उस सेटिंग्स पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपने सेकेंड नंबर पर जो चैनल लिखा हुआ है उस पर आपने क्लिक कर लेना है, और एडवांस सेटिंग्स इस पर आपने क्लिक करना है, और अपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवांस सेटिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। एज यू कैन सी अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड है वो इनपुट कर लेना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपने वेरीफाई कर लेना है। ये मैं वेरीफाई कर देता हूँ। सो ये वेरीफाई हो चुकी है। और आप यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं चूज एन अकाउंट टू मूव दिस चैनल टू, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, और मेरा चैनल जो है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, सेकंड चैनल जो मैंने अभी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि रिप्लेस का बटन पर आपने क्लिक कर लेना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। सो ये बात याद रखें कि आप जब रिप्लेस करेंगे कि तो ये वाला अकाउंट जो आपने अभी अभी बनाया है ये दोबारा से डिलीट हो जाएगा, इस पर जो व्यूज हो गए सब्सक्राइबर्स हो गए वो हट जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। ये तो मैंने भी बनाया है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर। सो आई अंडरस्टैंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको आपने चेक कर लेना है और डिलीट कर देना है, डिलीट चैनल। और यहाँ पर आप अब देख सकते हैं कि मूव चैनल अब शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं अभी, तो मेरा पुराना वाला ही चैनल है, कोई नया नहीं है अभी, ये वही वाला है। तो यहाँ पर मैं मूव चैनल पर क्लिक कर देता हूँ, एज यू कैन सी यहाँ क्लिक कर दिया। सो आप देख सकते हैं योर चैनल हैज़ बीन सक्सेसफुली मूव्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट का टाइम मुझे दिया हुआ है कि 10 मिनट बाद ये हो जाएगा, अपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर मेरा चैनल जो है वो अब एक पेन अकाउंट में चेंज हो चुका है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपने यूट्यूब का ईमेल जो है वो चेंज करना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पर लाजमी आ जाइएगा।
आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल में अपना ईमेल जो है वो कैसे चेंज करना है। सो थैंक यू।